हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद वन मोर लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और एक वैरायटी इसमें डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आपके काफी सारे मुझे कमेंट मिल रहे थे एंड दैट विल बी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन तो रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन मेथड आज के सेशन में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखे आपका काफ़ी सिंपल तरीके से वर्किंग नोट बनाना सिखाऊंगा और जिन लोगों को रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स बिल्कुल भी नहीं आता है ये मेथड के ऊपर फोकस करें आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं वर्किंग नोट कैसे बनाना है वर्किंग नोट में क्या क्या चीज़ें फोकस होती है सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले फायदा आपका ही है बिकॉज सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद आपको जो भी वीडियोज़ मिल रहे हैं उससे बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है तो लेट अस डिस्कस नाव कि अगर हम कन्वर्जन की बात करें कन्वर्जन बेसिकली कन्वर्जन ये क्या कंसेप्ट है वो थोड़ा समझ लेते हैं तो अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन में हम डिवेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देते हैं तो वी विल बी गिविंग देम ऑप्शन किस चीज का हम ऑप्शन दे रहे हैं तो हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो लोग इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं वो लोग डिबेंचर्स ले सकते हैं या जिनको ये सब कुछ नहीं चाहिए उनको हम कैश में रिडम्शन कर सकते हैं तो काफी सिंपल तरीके से पॉइंट uh, मैंने आपको बताया कि देर विल बी ऑप्शन गिवन टू द डिबेंचर होल्डर्स वेदर टू टेक इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स और दे कैन ऑल्सो गो फॉर कैश अब समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिकॉज थियोरी जितना भी पढ़े हमें तो मेन एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करना है वो थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं देखो काफ़ी सिंपल चीज़ बता रहा हूँ तो अगर हम ध्यान रखें काफ़ी सिंपल चीज़ है काफ़ी सिंपल वर्किंग नोट बनता है तो देखो कैसा है अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ एक कंपनी है जिसका जिसके पास फोर लाख ,00 के डिबेंचर्स ,00 है फोर लाख जिसका फेस वैल्यू है और ज ओवरऑल फोर लाख अमाउंट में उसका वैल्यू है और फेस वैल्यू की अगर बात करें तो वो हंड्रेड रुपीज़ का है एंड द कंपनी ने सोचा हम लोग इसको रिडम्शन करेंगे एक सौ दो रुपये में तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यहाँ पे ही आपको दो रुपये का प्रीमियम दिख रहा है तो टू रुपीज़ का यहाँ पे क्या दिख रहा है प्रीमियम दिख रहा है अभी कंपनी चाहता है कि हम हमारे डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दें तो सबसे पहला ऑप्शन कंपनी ने देखा कंपनी ने कहा कि हम लोग ऑप्शन देंगे फाइव परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स का हम क्या करेंगे हम ऑप्शन देंगे फाइव परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स का जिसका फेस वैल्यू बीस होगा और उसको हम देंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फिफ्टी रुपीज़ में देंगे ठीक है काफ़ी सिंपल है वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है वो भी दिखाऊंगा ध्यान से लिख के रखे ये अपने पास लिख के रखे बिकॉज जैसे ही मैं इसको इरेज करूंगा आप फिर भूल जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन अभी मैं फ्रेम्ड कर रहा हूँ इस बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे देखो कैसे होता है वर्किंग नोट बनाना सिखा दूंगा फिर जनरल एंट्रीज तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू सेकेंड जो है सेकेंड में अगर हमने बोला कि हम आपको डिबेंचर्स देंगे नाइन परसेंट डिबेंचर्स हम आपको देंगे और ये नाइन परसेंट डिवेंचर्स की जो वैल्यू होने वाली है ना ये नाइन्टी सिक्स होने वाली है तो आप चेक कर लो फेस वैल्यू कितना है हंड्रेड है नाइन्टी सिक्स होगा मतलब यहाँ पे फोर रुपीज़ का नाइन्टी सिक्स में से हंड्रेड डिफरेंस लिया फोर रुपीज़ का फोर रुपीज़ का प्रीमियम नहीं फ़ोर रुपीज़ का क्या होगा फ़ोर रुपीज़ का डिस्काउंट होगा तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट आ रहा है और हमने फिर दो ऑप्शन देके तीसरा ऑप्शन हमने बोला कि ना अगर आपको ये दो ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप क्या करना आप कैश में पैसे लेके जाना तो रिडम्पन इन कैश हो गया ये आपका तीसरा ऑप्शन है दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन तो हमारे क्वेश्चन में भी ऐसी चीजें आती है नंबर्स चेंज होते हैं प्रेफरेंशल्स के परसेंटेज चेंज होते हैं डिबेंचर्स का परसेंटेज चेंज होता है लेकिन कंसेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो यही होता है अभी हमको कहा है से फॉर एग्जांपल वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड आ, लोगों ने मतलब जिसके पास वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड डिबेंचर होल्डर्स जो थे वो डिबेंचर होल्डर्स ने जो ऑप्शन नंबर वन लेने का एग्री कर लिया फिर दूसरे जो लोग थे डिबेंचर होल्डर्स वो वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड डिबेंचर होल्डर्स ने कहा कि हमको है ना ऑप्शन नंबर टू चलेगा हमको वन नहीं चाहिए और जो बाकी के लोग जो थे उन्होंने बोला हमको कैश चाहिए हमको ये सब कुछ चाहिए ही नहीं हमको कैश चाहिए तो अकॉर्डिंगली हमको कैश चाहिए तो फिर दो ऑप्शन तो इनके पास थे ही और तीसरा ऑप्शन कैश का इन्होंने दिया है तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं अभी हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं लेट अस कॉन्सेंट्रेट बेसिकली एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी डीलिंग विद देखो सबसे सिंपल चीज़ है अगर आप आपके क्वेश्चन में फोर लाख ,00 की वैल्यू दी है राइट फोर लाख की वैल्यू तो फोर लाख की वैल्यू में से ऑप्शन नंबर वन कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर वन वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ऑप्शन नंबर टू कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया ऑप्शन नंबर टू जो है वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड लोगों ने ऑप्शन नंबर टू एक्सेप्ट कर लिया तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे तो काफ़ी सिंपल एटी फाइव थाउजेंड कैसे किया फ़ोर uh, लाख में से वन लाख सेवेंटी वन पहले माइनस किया फिर उसके बाद वन फोर्टी फोर थाउजेंड हमने माइनस कर दिया काफ़ी सिंपल रूल है आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ रहेगा फोर लाख में से पहले हमने वन सेवेंटी वन माइनस किया फिर उसके बाद वन फोर्टी फोर माइनस किया तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी एटी फाइव थाउजेंड दैट इज रिडम्शन इन कैश तो दिस इज कॉल्ड एज रिडम्शन इन कैश मतलब इतने लोगों को हम कैश देंगे अभी ध्यान से इसका ओवरऑल स्क्रीनशॉट लेके रखें या इसका ओवरऑल आपके पॉइंट्स पॉइंट्स नोट डाउन करके रखें अभी मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली ये हमको करना किस तरीके से है काफी सिंपल चीज़ है इसको अभी इरेज कर रहा हूँ ध्यान से समझना अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात करें तो हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी फोर लैक्स थी बराबर है फोर लैक्स थी जिसका फेस वैल्यू कितना था फेस वैल्यू हंड्रेड था और वो हम रिडम्शन कर रहे एक सौ दो में मतलब यहाँ पे दो परसेंट का प्रीमियम या दो रुपये का प्रीमियम आपको दिख रहा है तो फोर लैक्स जो वैल्यू है उसके ऊपर आप अगर दो परसेंट का प्रीमियम ढूंढोगे तो आपका प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी एट थाउजेंड मतलब रिडम्शन के वक्त प्रीमियम कितना है एट थाउजेंड हम अभी हम इसको ऑप्शन वाइज डिवाइड करते हैं देखो वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है एक बार ये वर्किंग नोट अगर आपका बन गया तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड हमारे डिबेंचर होल्डर नंबर वन थे दूसरा जो हमारा था वो कितना था याद है आपको वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड और तीसरा जो हमने क्या ढूंढा था दैट वॉज रिडम्शन इन कैश एंड दैट वॉज एटी फाइव थाउजेंड तो ऐसे हमारे पास तीन डिबेंचर होल्डर्स थे फिर पहला ऑप्शन आपका प्रेफरेंस का था अगर याद है तो प्रेफरेंस का बीस रुपये का प्रेफरेंस प्रेफरेंस जो था वो बीस रुपये का कितने में लिया था पच्चीस में ठीक है दूसरा ऑप्शन था डिबेंचर्स का नाइन्टी सिक्स में और तीसरा ऑप्शन था कैश का ये मैंने फिर से आपके रेफरेंस के लिए लिख लिया है देखो अभी हमको करना क्या है वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड हमारा अमाउंट है इसमें हमको ऐड करना है प्रीमियम कितना परसेंट प्रीमियम था हमारा देखो दो परसेंट ऊपर दिख रहा है आपको दो परसेंट लिखा ही है मैंने तो वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड का आपको दो परसेंट प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड को दो परसेंट कैलकुलेट करो तो आपको अमाउंट कितनी मिलेगी आपको अमाउंट मिलेगी थ्री फोर टू ज़ीरो फिर ये आपको ऐड करना है वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड प्लस थ्री फोर टू जीरो अगर आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी देखो हमको करना क्या है बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है ये जो वैल्यू है उसमें दो परसेंट प्रीमियम मैंने ऐड किया दो परसेंट कहाँ से लाया सौ और एक सौ दो का डिफरेंस अभी वन लैख सेवेंटी फोर फोर ट्वेंटी आने के बाद उसको हमें डिवाइड करना है हम प्रेफरेंस कितना दे रहे हैं बीस का पच्चीस में दे रहे हैं तो आपको ट्वेंटी फाइव से डिवाइड कर देना है तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं ट्वेंटी फाइव से हमने ट्वेंटी टू पॉइंट फिफ्टी लिया था आई थिंक मैंने इधर ट्वेंटी फाइव लिख दिया बाय मिस्टेक Uh, चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर से एक बार लिख लेता हूँ नो प्रॉब्लम फोर लैक्स इसको अगर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करें फिर से एक बार लिख लेंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड इस पर हमने दो परसेंट का प्रीमियम प्लस किया एंड दैट वाज थ्री फोर टू ज़ीरो अगर हम इसको प्लस करें तो आंसर मिल रहा था वन लाख सेवेंटी फ़ोर फोर ट्वेंटी ऑप्शन नंबर वन हमारा प्रेफरेंस था बीस का वैल्यू मैंने पच्चीस लिखा था जब बताते वक्त मैंने आपको बाईस पॉइंट पचास बोला तो समझो बाईस पॉइंट पचास और फिगर ना आया इसके लिए पच्चीस से डिवाइड करेंगे और फिगर आएगा तो आंसर आपको आता है वन लाख सेवेंटी फोर फोर ट्वेंटी इसको हम बाईस पॉइंट पचास से डिवाइड करेंगे ढाई रुपये का प्रीमियम आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है एक 25 से भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं 25 से करेंगे वही कंसेप्ट आएगा सिर्फ पॉइंट में आंसर आ रहा था इसके लिए मैंने उसको चेंज कर दिया है वन लैख सेवेंटी फोर वन लैख सेवेंटी फोर फोर ट्वेंटी इसको हम डिवाइड करेंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फिफ्टी से तो आपको आंसर मिल जाएगा सेवन सेवन फाइव टू प्रेफरेंस शेयर्स मतलब हम पहले जो डिवेंचर होल्डर्स है उनको कितने शेयर्स देंगे उनको सेवन सेवन फाइव टू शेयर्स देंगे ठीक है प्रेफरेंस शेयर्स देंगे दूसरा हमारा ऑप्शन क्या था वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड तो अगर इसमें भी हम दो परसेंट प्लस कर दें सब में दो दो परसेंट आपको प्लस करना है तो वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड का दो परसेंट आपको लेना है तो वो आपको मिल जाएगा टू डबल एट ज़ीरो फिर प्लस करना है वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड प्लस टू डबल एट ज़ीरो तो आंसर आ जाएगा वन लाख 46,880 इसमें हमने क्या लिखा था इसमें हमने ऑप्शन नंबर टू में डिबेंचर्स लिया था 96 का तो अभी हम क्या करेंगे इसको 96 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ वन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट एटी इसको हम 96 से डिवाइड करेंगे तो हमको डिबेंचर्स मिल जाएंगे एंड दैट विल बी वन फाइव थ्री जीरो डिबेंचर्स कितने डिवेंचर्स मिलेंगे वन फाइव थ्री ज़ीरो डिवेंचर्स मिलेंगे लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में फोर रुपीज़ का डिस्काउंट है तीसरा वाला ऑप्शन हमने कैलकुलेट किया था एटी फाइव थाउजेंड ये रिडम्पशन कैसे हो रहा था कैश में जा रहा था इसमें भी सेम करना है एटी फाइव थाउजेंड और इसमें भी कितना प्लस करना है टू परसेंट प्लस कर देना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने साथ एटी फाइव थाउजेंड का टू परसेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1700 तो 85000 में 1700 अगर प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 86700 दिस विल बी रिडम्पशन इन कैश तो ये आपका रिडम्पशन इन कैश हो जाएगा काफी सिंपल है और अभी हम टैली भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको फेस वैल्यू 100 था और उसका वैल्यू 102 बताया तो फेस वैल्यू 100 का अगर 102 हो रहा है तो कितना परसेंट प्रीमियम है टू परसेंट फोर लैख का टू परसेंट कितना आता है एट थाउजेंड आता है वही आप प्रीमियम को टैली करके देखो देखो आप यहाँ पे मैं एक अलग कलर से ही बताता हूँ सो दिस इज़ द प्रीमियम थ्री फोर टू जीरो दिस इज़ द प्रीमियम टू एट एट जीरो एंड दिस इज़ द प्रीमियम वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड अगर हम थ्री फोर टू ज़ीरो प्लस टू एट एट ज़ीरो प्लस वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड अगर करेंगे तो आपको टोटल प्रीमियम आ जाएगा एट थाउजेंड प्रिपेयर दिस वर्किंग नोट प्रॉपरली आपका बाकी सारी चीज जर्नल एंट्रीज वगैरह वो तो आप पढ़ के लिख सकते हैं लेकिन वर्किंग नोट किस तरीके से बनाना है वो आपको देखना है अभी इसमें कोई भी टाइप के अमाउंट्स आ जाए कैसे भी टाइप के कैलकुलेशन आ जाए तो अगर आप ये वर्किंग नोट कंफर्टेबली बनाएंगे तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स बाई कन्वर्जन आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू अगर आपका यह कंसेप्ट क्लियर हुआ है इस वीडियो से आपके कंसेप्ट रिवाइज भी हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना भूले और चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लर्निंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय टेक केयर